नागरिक कल्याण कार्यक्रम सीएपी के अंतर्गत 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा नागरिकों के कल्याण हेतु विद्युत वायरिंग एवं विद्युत उपकरण मरम्मत परीक्षण का समापन समारोह संपन्न हुआ। आयोजित कार्यक्रम के संबंध में एचके गुप्ता कमांडेंट 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के द्वारा बताया गया कि इस प्रशिक्षण में वाहिनी के सभी समन्वयक क्षेत्र जिला गया, औरंगाबाद और रोहतास के कुल 30 बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर एचके गुप्ता कमांडेंट ने बताया कि सशस्त्र सीमा बल भारत नेपाल सीमा व भारत भूटान सीमा की ड्यूटी के साथ साथ कानून व्यवस्था, चुनाव, आंतरिक सुरक्षा एवं नक्सल विरोधी अभियान जैसे ड्यूटी की अपनी अहम भूमिका निभा रही है। इसके अलावा नागरिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार के कई कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालन पूर्व में भी किया गया है, जिसमें स्थानीय नागरिकों एवं युवक युवती काफी लाभान्वित हुए हैं। इसी माह में मशरूम उत्पादन की खेती का प्रशिक्षण कृषि विज्ञान संस्थान में नक्सल प्रभावित इलाकों में 35 बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे मशरूम की खेती व प्रशिक्षण, मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रिपेयरिंग, मोटर ड्राइविंग कोर्स, 3 लेयर एग्रीकल्चर प्रशिक्षण, ब्यूटीशियन कोर्स, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स का संचालन किया गया। नक्सल प्रभावित इलाकों में जरूरतमंद लोगों के लिए इस तरह का प्रशिक्षण कराया गया है, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बनकर देश के विकास में सहयोगी बने। इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड हाउस होल्ड रिपेयरिंग जी टूल्स भी मिला, सर्टिफिकेट भी दिया गया और 24 तारीख को प्लेसमेंट ड्राइव होना है, उसमें बच्चे सभी बच्चे भाग लेंगे। कितने बच्चे इस ट्रेनिंग में? 30 बच्चे टोटल। ये पढ़ते देते उदय कुमार, प्रशिक्षण प्रभारी, गवर्नमेंट आईटीआई गया। जनवरी को शुरू हुआ था, जिसके 3 जिले के 30 बच्चे जो कि गया, औरंगाबाद और रोहतास जिले के जो कि नक्सल प्रभावित इलाके के बच्चे हैं, उनके लिए वायरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल उपकरण और बेसिक चीज़ों की जानकारी दी गई, ताकि ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सके, अपना रोज़गार शुरू कर सके। और साथ में जो भटकाव की स्थिति है ग्रामीण इलाकों में, भटकाव की स्थिति ना हो, ये बच्चे पढ़े लिखे हैं और स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। प्रमाण पत्र भी दिया गया है? हाँ, सर्टिफिकेट दिया गया है। और साथ में एक और खुशी की बात यह है कि आईटीए के जो उप प्रधानाचार्य हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, इन्होंने खबर किया कि 24 तारीख को 3 कंपनियां यहाँ आ रही है जहाँ प्लेसमेंट होगा। तो अगर ये बच्चे भाग लेते इसमें, इनका प्लेसमेंट हो जाता है तो इनको अपनी नौकरी भी मिल सकती है।